अप्पम बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए सूजी 1 चम्मच, दही 1 चम्मच दही डाल दें, और इसमें लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, शिमला मिर्च, कटा हुआ शिमला मिर्च, कटे हुए टमाटर, कटे हुए प्याज और कटा हुआ मिर्च, हरी मिर्च, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा सोडा भी डालेंगे जिससे ये फूल जाएगा, स्पंजी बन जाता है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें भुने हुए मूंगफली के दाने डाल देंगे और इसे फिर वापस मिक्स कर लेंगे। अब हम अप्पम बनाने का ये पैन लेंगे और इसमें थोड़े थोड़े ऑयल डाल देंगे। ऑयल अच्छी तरह से डालने के बाद और हम इसमें 1-1 स्पून इसके अंदर ये बैटर जो बनाया है इसको फिल कर देंगे। जैसा आप देख सकते हैं कि ये कुछ देर के बाद जब आप इसको ढककर बनाएंगे तो ये फूल जाएगा, क्योंकि इसमें सोडा डला हुआ। अगर आप सोडा की जगह फ्रूट सॉल्ट भी डाल सकते हैं, इनो डाल सकते हैं। और ये होने के बाद आप इसको गैस पे चढ़ा दें। गैस पे चढ़ाने के बाद आप इसको ढककर पकाएंगे। 2 मिनट के बाद आप इसको वापस उतार कर प्लेट को खोल कर देखेंगे तो ये फूल जाता है और इसे आप पलट दीजिए। तब ये वापस अप्पम पलट जाएंगे। पलट इस तरह ये सारे अप्पम को पलट दिया है और ये सारे क्रिस्पी भी दिख रहे हैं और स्पंजी भी दिख रहे हैं। अब इसे हम उतार लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद काफी अच्छे दिख रहे हैं, ये स्पंजी भी दिख रहे हैं, ठंडे हो जाएंगे तो और अच्छे लगेंगे। डेकोरेट कर लेंगे और कैप्सिकम की गाड़ी बना लेंगे और इसको उसके ऊपर सारे कैप्सिकम को लोड कर देंगे और इसे हम सॉस या नारियल की चटनी के साथ खाएंगे। आप भी खाइए और अपने फ्रेंड्स को भी खिलाइए।